नमस्कार, मैं संगीता आप सभी का बातें बॉलीवुड की आज की इस पेशकश में स्वागत करती हूं। बॉलीवुड एक ऐसी माया नगरी जहां फिल्मों की माया चलती है। इसे फिल्मों की दुनिया फिल्मी दुनिया कहा जाता है। यहां सब कुछ फिल्मी होता है, लोगों के अंदाज फिल्मी, उनकी बातें फिल्मी, उनके कमाल घमाल फिल्मी, यहां तक कि वो मालामाल भी फिल्मी होने के कारण होते हैं। जो जितना ज्यादा फिल्मी होता है उसे उतना ज्यादा पसंद किया जाता है। रील की ऐसा नशा होता है कि कई बार फिल्मी लोग अपनी रियलिटी, अपनी ग्राउंड लेवल रियलिटी तक से अलग हो जाते हैं, वो भी बिना किसी संकोच के। लेकिन यही इंडस्ट्री और फिल्मी लोग उस वक्त डर से तड़प उठते हैं जब समाज के किसी वर्ग से आह सुनाई देती है। दिल्ली बस गैंगरेप पीड़िता लड़की ने शनिवार तड़के 2:15 बजे सिंगापुर के अस्पताल में आखिरी सांस ली। सारे देश में उसकी मौत की खबर से शोक की लहर छा गई। ऐसे में उसके गुनहगारों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग करने वाली फिल्मी दुनिया ने भी मरहूम को इन शब्दों में दी अपनी श्रद्धांजलि। साल 2012 की विदाई और 2013 की शुरुआत देश के लिए अच्छे नोट से नहीं हो रही है। हो भी कैसे सकती है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाने जाने वाले इस देश में जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, समाज से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कुछ वहशी दरिंदों की हवस का शिकार बनी 23 वर्षीय गैंगरेप पीड़िता अब हमारे बीच नहीं है। बॉलीवुड उसे इन अल्फाजों में अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहा है। अमानत दामिनी अब महज नाम है। उसका शरीर शांत हो चुका है लेकिन उसकी आत्मा हमेशा हमारे दिलों को थर्राती रहेगी। क्रांति की शुरुआत की नींव हमेशा किसी के बलिदान के बाद ही क्यों होती है। मुझे उम्मीद है कि उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। उसके गुनहगारों को फांसी दी जानी चाहिए। जय हिंद। मैं हमेशा से एक गौरवान्वित भारतीय रहा हूँ। आज हम सबको शर्म आनी चाहिए। क्या हर बार देश को जगाने के लिए किसी मासूम की मौत का होना जरूरी है? वो क्रांति के सिपाही की तरह थी। अगर हम ये भूल जाते हैं तो हमें उसके गुनहगारों से ज्यादा खुद पर शर्म आनी चाहिए। हर क्रांति की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। कृपया इसकी शुरुआत अपने बेटों को महिलाओं की इज्जत करना सिखाने से करिए। हम अहिंसक हैं लेकिन सुदृढ़ता से केंद्रित हैं। कानून को बदलना होगा, मानसिकता को बदलना होगा, देश को बदलना होगा। शर्मिंदा हूँ मैं क्योंकि मैं एक ऐसी जाति से संबंधित हूँ जो ऐसे जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। मैं हर महिला से क्षमा प्रार्थी हूँ। ये कैसा तमाशा है। रेस्ट इन पीस उस बहादुर लड़की के लिए जिसने कमजोर और पैरालाइज्ड देश में अपनी लड़ाई लड़ी। हम सब पर धिक्कार है। मैं वाकई उम्मीद करता हूँ कि जो गुस्सा हम सब ने महसूस किया वो कुछ दिनों और कुछ ट्वीट्स के बाद शांत ना हो। शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी है मानवता पर, शर्मिंदगी है हमारे देश पर, शर्मिंदगी है न्याय पर और भगवान के न्याय पर भी। मुझे नहीं लगता कि उसकी आत्मा कभी शांत रह पाएगी। उसे जवाब चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ और नाराज हूँ, निराश और विशुद्ध हूँ। भगवान साहसी दिल लड़की की आत्मा को शांति दे। ये मानवीय प्रतिष्ठा की मौत है, हमारे भारतीय होने की मौत है, मासूमियत की मौत है और सिस्टम की भी। देश अत्यंत दुखी है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अभी सुना कि वो बहादुर दिल लड़की हमारे बीच नहीं, सदी हुई योद्धा। अफसोस की बात है कि जागरूकता के लिए किसी हादसे का होना अनिवार्य है। मेरी प्रार्थनाएं मरहूम के परिवार के साथ हैं। अमानत मर चुकी है और छोड़ गई है इस देश को शर्म से सिर नीचा किए हुए। मैं सचमुच चाहता हूं कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए।
ये हमारे देश के लिए सबसे शर्मसार कर देने वाली घटना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसका प्रायश्चित जरूर करेंगे। उन सब मंदिरों को बंद कर देना चाहिए जहाँ हम नारी शक्ति की उपासना करते हैं। धिक्कार है भारत पर जहाँ हमारे अपने हाथ अपनी ही बेटियों के खून से सने हुए हैं। आज बहुत ही बुरा दिन है, ये और भी बुरा होगा अगर हम इसे व्यर्थ ही जाने देंगे। दोबारा सिस्टम को अपने साथ ऐसा कुछ करने मत दीजिएगा। आश्चर्य की बात है और कितनी जिंदगियों को अपना बलिदान देना होगा समाज और देश को सुधार कर सही राह पर लाने के लिए। उसकी मौत के साथ ये देश और भी कई मौतें मरा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सारे देश के लिए ये निराशाजनक पल है। क्या यही वो तरीका है जिसके जरिए भारतीय पुरुष अपनी माँ, बेटी, बहन और जीवन में दूसरी अहम भूमिका अदा करने वाली महिलाओं के साथ व्यवहार करते हैं? अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसने जंग लड़ी है। एक बहादुर लड़की जो जीवन में बहुत कुछ करने के लायक थी, ये साल तिरस्कार पूर्ण नोट पर एंड हो रहा है। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मुझे महसूस हो रहा है कि आज मेरे अंदर का कुछ मर गया है। यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। उम्मीदों के हैं दिए जले, जब मिलकर सब एक राह चले। ताकत जब हाथ हो झूठों के, लाए उनको सच्चाई तले। मैं इंडिया हूँ। इतिहास नहीं हूँ मैं, भविष्य का पन्ना हूँ। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।